और भाई नितिन, क्या हाल है तेरे? और तेरा ब्रह्मचर्य का पालन कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक तो है, लेकिन अब भी मेरे सामने एक समस्या है जो मुझे ब्रह्मचर्य के पालन करने में बार बार नीचे गिरा रही है भाई। ऐसी कौन सी समस्या है भाई जो तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोक रही है? भाई तो अभी बिगनर है, इसलिए अभी तेरे सामने ये समस्याएं आएंगी। हमें देख, हम तो थोड़े हाई लेवल के हो गए हैं, इसलिए हमारे सामने ये समस्याएं सभी छोटी हो गई हैं और हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई तो अपनी समस्या बता, मैं तुझे उसका हल बताऊंगा। भाई मेरी समस्या ये है कि जब भी मुझे 5 से 6 दिन ब्रह्मचर्य पालन के हो जाते हैं तो मुझे स्वप्न दोष हो जाता है। भाई मैं स्वप्न दोष से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, इसका मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा है। भाई आप ही मुझे इसका इलाज बताइए, क्योंकि आपने मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में बताया था, तो भाई आप ही स्वप्न दोष का मुझे इलाज बताइए, जिससे मैं अपने ब्रह्मचर्य को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकूं। भाई स्वप्न दोष ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ भाई, कृपया मुझे बताएं। स्वप्न दोष से तू इतना डर रहा है? भाई जब तूने ब्रह्मचर्य नाम का अस्त्र उठा ही लिया है तो स्वप्न दोष नामक शत्रु से क्या ही डरना। भाई तू उस अस्त्र से इस शत्रु का नाश कर दे, उसके ऊपर वार कर और उसका सर्वनाश कर दे। भाई मैं तुझे बताता हूँ कि जो स्वप्न दोष है यह तेरे मन पर निर्भर है। जो तूने अब तक गलत क्रियाएं करी है वह तेरे दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि जो तेरी इंद्रियां हैं वह नहीं चाहते कि तू अब सुधर जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। लेकिन भाई जो तेरा शरीर है, जो तेरा दिमाग है, वह तुझे कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर। तो भाई जो तेरे मन में बुरे विचार है वह तुझे गलत रास्तों पर ले जाते हैं और तुझे रात्रि के समय स्वप्न दोष कर देते हैं। भाई तू इससे इतना मत डर, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना है। हाँ गुरुदीप भाई, मुझे जल्दी बताओ, आपकी बहुत ही अति कृपा होगी भाई। मैं स्वप्न दोष से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने इसकी बहुत ही ज़्यादा दवाई भी खा ली, लेकिन यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता। मैं कई डॉक्टरों के पास भी गया, उन्होंने कहा कि यह तो नॉर्मल है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। मैंने उनको बताया कि मैं पहले अष्टमैथुन करता था, मेरी नस नाड़ियाँ कमज़ोर है, वे मुझको दवाई दे देते हैं, लेकिन उस दवाई से भी कुछ आराम नहीं हुआ। भाई आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा स्वप्न दोष ठीक हो जाए, भाई कृपा करके मुझे बताओ भाई। अच्छा तो भाई ठीक है, तो ध्यान से सुन भाई, सबसे पहले तो तुझे क्या करना है, तू अभी ब्रह्मचर्य के पालन में बिगनर है, इसलिए तू अभी सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने में आलस्य भी करता होगा। तू 5 या 6 बजे के करीबन उठता होगा, लेकिन भाई तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे लगभग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। इससे भाई तेरा क्या होगा, जो तेरे मलमूत्र होते हैं वह 4 बजे के बाद गर्मी पैदा करते हैं और वह शुक्राशय पर दबाव डालते हैं, और वे शुक्राशय पर दबाव डालने के बाद तुझे स्वप्न दोष कर देते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये है, तुझे अपनी यह सुधारनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर बात आती है भाई, सुबह उठने के बाद तुझे शौच आदि करने के बाद तुझे व्यायाम करना है, तू अभी व्यायाम भी नहीं करता होगा, तो भाई दूसरे नंबर पर तुझे व्यायाम करना है। तीसरे नंबर पर है तुझे शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है। बिल्कुल भी तू ये सोचे भाई मुझे 1 हफ्ता हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अब मैं फास्ट फूड खा लेता हूँ, चौमिन बर्गर मोमोज खा लेता हूँ, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुझे बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है अगर तुझे ब्रह्मचर्य में महान बनना है तो। और भाई चौथे नंबर पर बात आती है, तुझे 24 घंटे का अखंड लंगोट धारण करना है। भाई लंगोट हनुमान जी ने धारण किया, जिनके अंदर अपार बल आया। अगर तुझे ब्रह्मचर्य हमारे लंगोट के साथ ही जुड़ा हुआ है, अगर तू लंगोट नहीं पहनेगा तो कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, तो भाई तुझे चौथे नंबर पर लंगोट पहनना है। और 5वें नंबर पर है भाई, तुझे ये जितने भी पंजाबी सॉन्ग होते हैं, इंग्लिश सॉन्ग या हिंदी सॉन्ग जितने भी है, इन सब का बहिष्कार करना है, और तुझे भक्ति गाने ही सुनने हैं जो धार्मिक होते हैं, या तुझे वे भी नहीं सुनने हैं, तुझे किसी भी प्रकार के कोई भी सॉन्ग नहीं सुनने हैं, जिससे तेरा मन शांत रहेगा और मन में से बुरे विचार धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, इन सब ये जो मैंने 5 बातें तेरे को बताई है, तू अगर इनको फॉलो करेगा तो भाई 1-2 महीने के अंदर ही तेरा स्वप्न दोष पूरी जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ भाई गुरुदीप, तूने सही कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा था, लेकिन जो ये जितने भी नियम होते हैं मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा था, ना मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, ना मैं व्यायाम करता था, और भाई मैं फास्ट फूड तला हुआ मसालेदार भी खाना खाता था, और लंगोट तो मैंने आज तक पहना ही नहीं भाई, इसलिए तो मुझे यह स्वप्न दोष हो रहा था। भाई आपकी बहुत बहुत कृपया, आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। भाई मैं आज से इन सभी नियमों को फॉलो करूँगा और अपने ब्रह्मचर्य को अखंड और प्रचंड बनाऊँगा और इसमें नेक्स्ट लेवल तक जाऊँगा। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरुदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।